हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं एक ऐसे प्रोग्राम में जो नॉलेज, पॉजिटिविटी और अवेयरनेस से भरा हुआ है, जिसका नाम है होम्योपैथी अनहोनीपैथी। वेल दोस्तों, होम्योपैथी एक ऐसा इलाज, एक ऐसी स्ट्रीम है जहां हम अनहोनी होने से रोक सकते हैं। बीमारी को अगर जड़ से उखाड़ फेंकना हो और वो भी सुरक्षित तरीके से, तो होम्योपैथी वाकई में बहुत मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे सोरियासिस, इस गंभीर बीमारी के बारे में। एग्जैक्टली सोरियासिस क्या होता है और इसे हम कैसे मात दे सकते हैं, ये जानेंगे खुद जाने माने क्लासिकल होम्योपैथी प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी जी से। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी एक समर्पित टीचर और पेशेंट्स के चहेते हैं, जिन्होंने अपने 30 सालों के अनुभव द्वारा क्लासिकल होम्योपैथी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कोलैबोरेट किया और अपनी रेवोल्यूशनरी रिसर्च से इजाद किया ट्रीटमेंट का बायोसाइकोसोशल मॉडल, जिसकी हेल्प से आज इनऑपरेबल और लास्ट स्टेज कैंसर सहित कई जटिल बीमारियों से जूझ रहे लोगों को नया जीवन मिला है। अपनी अद्भुत रिसर्च के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में सम्मानित डॉक्टर अंसारी को अब तक अनेक अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर अंसारी का एक ही मिशन है, खतरनाक बीमारियों के आतंक को चुनौती देना और लोगों को एक सफल इलाज उपलब्ध कराकर उन्हें स्वस्थ खुशहाल जीवन देना। दोस्तों, आज हमारे बीच जाने माने डॉक्टर यहाँ मौजूद है, होम्योपैथी के क्लासिकल प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी जी। नमस्ते डॉक्टर अनवर साहब। हेलो स्नेहा, तहे दिल से आपका स्वागत है इस शो में। थैंक यू सो मच। वेल दोस्तों, आज खुद डॉक्टर अनवर साहब हमारे बीच मौजूद है। अगर सोरियासिस या ऐसी किसी और बीमारी के बारे में आप सलाह लेना चाहे, जानकारी लेना चाहे, तो आप उन्हें कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल पूछने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इस शो के दौरान भी और इसके बाद भी आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। वेल डॉक्टर अनवर साहब, इसी के साथ सोरियासिस, इस टॉपिक के बारे में डिटेल में आपसे जानना चाहूँगी कि ये क्या होता है, क्यों होता है, ये क्या है? सहेल जी, देखिए, हमारे बहुत मशहूर शायर गालिब का एक शेर है जी। कहते हैं, यूं तो दुनिया में है सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। ये बहुत फेमस शेर है। सोरियासिस भी इसी किस्म का कुछ ऐसा है। सोरियासिस एक स्किन की बीमारी है जो स्किन पर दिखती है, लेकिन इसका मूल स्किन से ताल्लुक़ नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है और जेनेटिक बीमारी है जी, लेकिन दिक्कत आती है स्किन के ऊपर। ये स्किन की आम बीमारी नहीं है, रेयर बीमारी है, कम लोगों को होती है, बहुत परेशान को बीमारी है। यहाँ पर स्किन पे स्केल्स पैदा होते हैं, यानी स्किन जो होती है रफनेस आती है। जैसे हम देखते हैं, हम समझाने के लिए अगर मैं बताऊँ तो रोड होता है, फिर एक बम्प आता है स्पीड ब्रेकर जी, तो ये स्किन के अंदर जो स्मूथनेस जाके एक ब्लॉक आता है स्पीड ब्रेकर जैसा, और फिर बाद में वापस होती है। तो ये एलिवेटेड स्किन लीजन्स होते हैं जगह जगह के ऊपर, क्योंकि अलग अलग किस्म के सोरियासिस है, वो प्रेजेंटेशन उसकी अलग अलग कर सकते हैं। वो पूरे जिस्म पे भी हो सकते हैं जी। वो दाने दाने की शक्ल में होती है, जिसे हम गट्टेड सोरियासिस बोलते हैं, और स्केली सोरियासिस हो सकते हैं। डॉक्टर अनवर साहब, हम ये ऐसी ही चर्चा शुरू रखेंगे, बट बहुत सारे कॉलर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आज का पहला कॉल में लेना जी। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हेलो, होम्योपैथी अनहोनीपैथी में आपका स्वागत है। क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं आई एम खान बोल रहा हूँ जी। और आप कहाँ से बोल रहे हैं खान साहब? भिंडी बाजार, भिंडी बाजार। हाँ जी, अब मैं आपका कॉल जोड़ने जा रही हूँ डॉक्टर अनवर साहब के साथ। जी जी जी, आदा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे फादर को CA था जी जी, और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम है उनको। हाँ हाँ, मुझे बोलने का मतलब ये है कि अभी कब तक ये अभी पूरा इम्प्रूवमेंट होने में क्या लगता है, क्या टाइम लगता है, क्या कैसे है? आप रफीउद्दीन खान के केस के बारे में बात कर रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, देखिए, आप उनके बेटे बोल रहे हैं? जी, उनका बेटा बोल रहा है। अच्छा जी, खान साहब देखिए, ऐसा है कि उनको पैखाने की जगह का कैंसर है जी, और वो फैल गया है, फैल चुका है जी जी। और आपने बाकी भी इलाज कराया, वो सब चीज कराया, देखा है आपने? हाँ सर, मैं तो काफी परेशान था, बहुत परेशान था। क्या कैफियत थी जब आए, तो क्या क्या बीमारी थी, कैसे था वो, उनकी कैफियत क्या थी? शुरू में जब मैं ऑपरेशन करवा के आया हूँ आपके पास, तो
कुछ भी नहीं था, बदन में कुछ भी जान नहीं था, चलने फिरने को नहीं होता था, बीपी लो हो जाता था, खाने पीने को नहीं होता था, बात करने को नहीं होता था, खाना छूट गया था, मतलब बेड रेस्ट एकदम पूरा बेड पे पेशेंट हो गया था जी, बहुत परेशान हो गया था जी। फिर आपका पता चला, फिर मैंने कैसा कैसा बेड पे करके व्हील चेयर के थ्रू मैंने आपके पास लेके आया जी, आपने पूरी हिस्ट्री ली, आपने देखा, आपने बहुत तसल्ली दी, और आपकी दवा खिलाने के बाद से धीरे 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 बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो वो चल फिर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, भूख लगने लगी, बीपी नॉर्मल रहने लगा। देखिए मैंने जो आपके वाले साहब के जो केस में मैंने देखा था जी, उनका जो मिजाज जी जी वो बहुत गर्म किस्म का मिजाज, बहुत 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 सख्त मिजाज है जी जी। तो ये अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है, अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, अभी हम कुछ अरसे के बाद में इनकी जैसा हमने बताया कि रिपोर्ट कराते हैं 4-4 महीने पर जी, हम जी। रिपोर्ट कराएंगे। एक तो होता है कि क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट सिम्टम्स में होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। आपके वालिद साहब का जो केस है वो मेटास्टेटिक कैंसर ऑफ रेक्टम है जी, ठीक है, वो फैला हुआ केस है, और जगहों में फैला हुआ है, सब लीवर में फैला हुआ है। और तो इस किस्म के केसेस के अंदर जो है हम देखते हैं कि हमको वो स्लो चलना पड़ता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम इतना डाउन है आपके वालिद साहब का कि हम लोग एग्रेसिव उनको इलाज नहीं कर सकते हैं। तो उनके इम्यून सिस्टम के हिसाब से हम लोग, हमारी जो पोटेंसी जो होती है, दवाई की जो कुव्वत होती है, उसके हिसाब से हम देते हैं। हम जो फूक फूक के कदम रखते हैं हर एक केस में, हर एक केस के अंदर ऐसा होता है कि हम इसकी इम्यून सिस्टम कैसी है, इसके अंदर ताकत बर्दाश्त करने की कितनी है, इसके सिम्टम्स कैसे हैं, बीमारी की गहराई कितनी है, और प्रेजेंटेशन क्या है, उसके पीछे मायाजम जो कॉज है वो कहाँ तक के कितना गहरा है, वो सब असेसमेंट करने के बाद में हम लोग जो दवाइयों का जो चयन जो करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में उसकी कुव्वत हम क्या देते हैं, ये सब देखने के बाद में एनालिसिस किया जाता है, पूरा मैपिंग किया जाता है और दवा दी जाती है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह से आपको फ़ायदा हुआ है तो मुकम्मल तौर पर भी ये मामला ठीक हो सकता है जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फ़ोन करके बताया, आपके वाले साहब के बारे में शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। सो दोस्तों, अगर सोरियासिस से जुड़ा या किसी भी बीमारी से जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में अगर आ रहा हो तो इस शो के दौरान या इनफैक्ट इस शो के बाद भी वो सवाल का जवाब आप पा सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। डॉक्टर अनवर साहब और उनकी पूरी टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। सो देर मत कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए। सो डॉक्टर अनवर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बीमारी का इलाज होम्योपैथी में कैसा होता है, आई मीन इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी में कैसे जी? देखिए दो चीज़ अप्रोच है होम्योपैथी के अंदर, इसका टेम्पररी रिलीफ देने के हिसाब से भी कुछ रेमेडीज हैं, ओके, दवाइयाँ कुछ है, लेकिन वो आम तौर पर क्योंकि ये पुरानी एक क्रॉनिक बीमारी है, इनक्यूरेबल है, एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है और ये इनक्यूरेबल है, ये इलाज नहीं होता है, तो ये बहुत मुश्किल बीमारी है। पहले तो आसान बीमारी नहीं है, पहले आपको ये समझना होगा जी। जब बीमारी मुश्किल होती है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस होती हैं हमको निकालना पड़ेगा और सब्र के साथ में इलाज करना पड़ेगा। हम लोग ये करते हैं कि जो ये बीमारी के पीछे जो मायाजम जो है, जो पोल्यूटिंग एजेंट्स है, हमारे होम्योपैथी में तीन मेन मायाजम्स है, और जो पोल्यूटिंग एजेंट्स हम बोलते हैं या अफूनतें बोलते हैं, जो है सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, जितनी भी बीमारियाँ जो मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ये तीन बीमारी के ज़ुमरे में आती है, तो इसमें का जो सोरियासिस का जो लिंक है उसका सोरा और साइकोसिस से है। इट इज़ सोरोसाइकोटिक, दो मेन मायाजम इसके पीछे है, फंडामेंटल मायाजम सोरा है और डोमिनेंट मायाजम साइकोसिस है। हम वो पूरा मैपिंग करते हैं कि ये शुरू कैसे हुए, ये पूरी हिस्ट्री जब लेते हैं उसे क्या क्या मायाजम प्ले कर रहा है, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, किस हद तक ये गहराई में गया है और जो एक किस्म से इलाज सिम्टम्स दे रहा है, तो हमें ये समझना पड़ता है। और उसके हिसाब से हमें जो पेशेंट्स के पूरा माइंड मैपिंग करते हैं और जनरल पूरे मैपिंग करते हैं और क्या कॉज रहा है वो सब समझने के बाद हम उसको इलाज करते हैं जो जड़ से पूरा इसको क्लियर कर सकता है जी। और जो एक्यूट जो फेज़ आते हैं उसके अंदर जो एक्यूट दवाइयाँ होती है, हम इसको जो स्किन के इचिंग के अंदर, स्केल्स के अंदर रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन जो मेन काम है अगर जड़ से करना है जी, तो उसमें वक्त लगता है, सब्र लगता है, लेकिन ये जड़ से जा सकती है। वाहिद ओनली इट इज़ होम्योपैथी जो जड़ से सोरियासिस और दीगर बीमारियों का इलाज कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है जी। ये सवाल जवाब हम ऐसे ही ये सिलसिला शुरू रखेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन दोबारा हमें एक कॉल आ रहा है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक कॉल लेंगे जी। हेलो हेलो,
नमस्ते, होम्योपैथी अनहोनीपैथी में आपका स्वागत है। क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम आशना है और मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अभी मैं आपका कॉल कनेक्ट करने जा रही हूँ डॉक्टर अनवर साहब के साथ, आप उन्हें अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर, मुझे मेरे गले में एक ट्यूमर है ट्यूबरक्लोसिस का, जिसका मैं ट्रीटमेंट पिछले 9 महीने से कर रही हूँ ऑलमोस्ट, बट वो कम तो हो रहा है पर उसमें इतने इफेक्टिव चेंजेस नहीं है और मैं होम्योपैथी का इलाज कर रही हूँ। आई वांट टू नो कि ये मैं किस तरह, मतलब ये जल्दी ठीक, और क्या मैं मतलब करूँ इसके लिए कि ये जल्दी जल्द से जल्द सही हो। देखिए अस्मा, आपका जो मसला है वो एक ग्लैंड है नेक के अंदर, हाँ, जो कि मतलब आपके बेसिक जो हमने जो हिस्ट्री लिया है उसका बेस ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस ग्लैंड है वो। अभी हमने जो दवाई जो आपको दी है उससे जो उसकी जो ताकत जो थी बीमारी की ट्यूबरक्लोसिस की वो कम हुई है, उसकी शिद्दत कम हुई है, और उसकी वजह से ग्लैंड के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर गया नहीं। हो सकता है कि उसके लिए आपको कुछ और वक्त दरकार रहेगा। तो आपका जो ग्लैंड में रेगुलर इम्प्रूवमेंट आ रहा है 8-9 महीने से, ये खुशी की बात है कि रेजिस्टेंट होने के बाद में भी आपका मतलब वो चीज़ आहिस्ते आहिस्ते ज़ाहिल हो रहा है। हो सकता है कुछ वक्त और लगेगा, 3-4 महीने आपको लगेंगे, या थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जाएगा। आपको चाहिए कि आपकी ग़िज़ा पर खास ध्यान रखें, अपने आप की सेहत पर ध्यान रखें। हम ये बात से खुश हैं कि आपकी जनरल इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई है। हाँ वो तो है, जो मुझे उस वजह से तकलीफें थी वो सब तो नहीं है, वो सब खत्म हो चुकी है, बस एक यही है कि ये ट्यूमर कम होने में थोड़ा टाइम। जी जी, वो असल में गांठ इतनी बड़ी थी, प्रोमिनेंट थी, दिक्कत आ रही थी आपको, आप भी जानते हैं कि गले में पूरा सब प्रोमिनेंट दिक्कत आ रही थी। साइज बहुत कम हो गया है, कम से कम मैं समझता मोर देन 70-80% कम हो गया है, 20% रह गया। हो सकता है कि वक्त के साथ वो भी आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह जो भी खत्म हो जाएगा वो भी, इट विल टेक सम टाइम। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। सो दोस्तों, अगर सोरियासिस से जुड़ा या किसी भी बीमारी से जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में अगर आ रहा हो तो इस शो के दौरान या इनफैक्ट इस शो के बाद भी वो सवाल का जवाब आप पा सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। डॉक्टर अनवर साहब और उनकी पूरी टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है, सो देर मत कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए। सो डॉक्टर अनवर साहब, अभी हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे, सोरियासिस के बारे में, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि कई ऐसे लोग हैं जो आपके सेंटर तक नहीं आ पाते हैं या बहुत दूर होने की वजह से वो आपके सेंटर तक नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसे लोगों तक आप अपनी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे पहुँचा सकते हैं? जी देखिए स्नेहल जी, जो मैं काम जो करता हूँ होम्योपैथी में, बहुत अलग अलग अप्रोच है जी। एक तो होता है कि मतलब आप सिम्टम्स के हिसाब से कुछ अलामतें एक सिम्टम देखें, ये हो रहा वो हो रहा है, कुछ दवाई दे दें, लेकिन वो सब चीज़ का काम टेम्पररी होता है और वो इत्मीनान बख्श काम नहीं होता। हम जो करते हैं वो क्लासिकल होम्योपैथी करते हैं, जहाँ पर पूरा जो हम लोग ब्यौरा लेते हैं कि मरीज़ क्या है, मर्ज़ के पीछे जो मरीज़ है वो क्या है, वो पूरी मैपिंग करने के लिए हम लोग को वक्त लगता है। हम लोग कम से कम 1-1.5 घंटा पेशेंट के साथ में प्रोफाइलिंग करते हैं, उसके बाद में हम दवाई पर पहुँचते हैं ताकि उसको मुकम्मल तौर पर जड़ से काम। तो अगर जड़ से काम करना तो ये ज़रूरी है, ये लाजमी है। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि मतलब ये बॉम्बे के पेशेंट तो ठीक है आ सकते हैं जी, बाहर के पेशेंट हमसे कराना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट तो ये कि अगर कोई तरीके से हमारे पास में एक बार आए और पूरा ब्यौरा दे दें, पूरी शिकायत हम समझ लें कि केस आपका क्या है, आपको दवाई कौन सी लगेगी, आपका मायजम के ये सब अंडरस्टैंड हम कर लें और उसके हिसाब से काम करें। तो एक बार के अंदर जब हम पूरी आपकी मैपिंग कर लिए तो हमारे लिए आसान होता है, बाद में दवाई मंगा सकते हैं। एक तो ये हुआ। अगर उसके बावजूद जैसे ओवरसीज पेशेंट्स होते हैं या दूसरे शहर से जो पेशेंट्स होते हैं वो अगर उनके को रिलेटिव यहाँ पर हैं तो आप उनकी रिपोर्ट भेजकर ऐसा रिलेटिव जो करीबी है आपके बारे में बता सकता है, जो काफ़ी कुछ जानता हो, बहुत जानता उनके बारे में, आपके माइंड के बारे में, मन के बारे में बता सकता है, तो ऐसा कोई भेजिए, उनसे कुछ मालूम कर सकते हैं। या हम स्काइप के ऊपर या ऑनलाइन आपसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, हमारी टीम कंसल्ट कर सकती है, उनको अपना पूरा डिटेल दीजिए, हम उसके ज़रिए से हम आपको, क्योंकि मेन मकसद हमको आपको समझना है कि मैं समझूँ आपको कि क्या है आप, और उसके हिसाब से मैं जब दवा दूँगा, मरीज़ कौन क्या है, मर्ज तो एक तरफ है, मरीज़ क्या है, वो मर्ज को झेल रहा है, हमको उसको समझना है। तो इसका ये तरीका है कि हम इस किस्म से कर सकते स्काइप के ज़रिए या उसके ज़रिए। एक और तरीका कि हमारा एक फॉर्मेट होता है केस फॉर्म, आप हमें मेल कीजिए, हम आपको केस फॉर्म भेजेंगे, वो केस फॉर्म के हिसाब से आपके जो मन में जो चीज़ें आप
हमारे क्वेश्चनर है पूरा, आप उसको भर के दीजिए, उस क्वेश्चनर के बेस के ऊपर हम कुछ कंक्लूजन में पहुँचेंगे, ज़रूरत पड़े तो आपको फ़ोन करके और पूछेंगे। इस किस्म से आप जो आपका जो मर्ज तो रिपोर्ट से मालूम हो जाएगा, लेकिन मरीज़ के बारे में हमारा पूरा वो जो मैपिंग सिस्टम जो है वो अहम है। डॉक्टर अनवर साहब, आप ही के एक पेशेंट की सक्सेस स्टोरी आज हमारे पास में आई है। बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि जब कोई पेशेंट उनकी तकलीफ से बाहर निकलकर अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, तो मैं अपने सारे दर्शकों के सामने वो रखना चाहूँगी। तो चलिए देखते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। मेरा नाम इकबाल शेख है और कुछ साल पहले मुझे एक अटैक आया था। मुझे ऐसा लगा था कि अब कुछ साल की ज़िंदगी है, मतलब मेरा बहुत ही जल्दी अंत हो जाएगा। मेरे डॉक्टर थे, उनके पास गया तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप जल्दी जाइए और आपका इलाज हो सकता है। तो मैं इनसे मिला, इनसे पूरा वाकया बताया इनको, इन्होंने मेरी हिस्ट्री ली और मुझे कहा कि अभी एक शुरू रखिए मेरी दवा। और मैंने वो दवा मतलब लेने के बाद मुझे बहुत आराम हुआ। मुझे और एक शिकायत हो गई उसके बाद में, और वो प्रोस्टेट थी। प्रोस्टेट के बाद में मुझे पता चला कि प्रोस्टेट कैंसर भी होता है और उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो मैं फ़ौरन डॉक्टर साहब के पास पहुंचा और कहा कि पहले आप जाइए, इसका मतलब एक्सरे वगैरह कराइए और इसको सोनोग्राफी कराइए और मेरे पास आइए। तो मैं ले गया जब रिपोर्ट, तो इन्होंने मुझे कहा कि कोई डरने की बात नहीं है, अभी तुम बेफिक्र हो जाओ और मैं इसको ठीक कर लूँगा। उसके बाद में उन्होंने मुझे दवाई शुरू की, इनकी दवाई खाते रहा और आज दिन तक खा रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत आराम हो गया मुझे। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस तरह काम करते रहें और लोगों की सेवा करते रहें। सो देखा दोस्तों, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। अगर हम दिल से ठान लें कि हमें इसे मात देनी है, जीत हासिल करनी है, तो ये मुमकिन है। वेल, ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं, बस आपको एक छोटा सा कदम आगे उठाना है अपनी सेहत की ओर। सो डॉक्टर अनवर साहब, इसी के साथ आपने काफ़ी कुछ हमें बताया है कि सोरियासिस ये एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों होता है, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि हमारे सारे दर्शकों को अगर आप कोई खास टिप देना चाहे अवॉइड करने के लिए, या कोई प्रिकॉशन या कोई तरीका हो जिससे रोका जा सके इस बीमारी को, तो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपको इसको तर्क करना है, लोगों के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करना है कि जो ईर्ष्या और ये सब चीज़ें हम एक दूसरे से जो नफरत जो करते हैं, ये सब ख़त्म करना है। अगर आपको इस किस्म की बीमारियाँ जो ऑटोइम्यून बीमारियाँ ख़त्म करनी है, तो ये बेसिक कॉज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये क्यों हो रही है। तो एक सोशल चेंज लाना पड़ेगा आपको इसके अंदर। एक तो ये मेरा टिप है कि आपको, कि आप अपने आप को, माइंड को जो विचलित रहता है उसको आप क्यों है समझें, विचलित क्यों हो रहा है, और उसके ऊपर आप ध्यान दें तो आपके ना सिर्फ सोरियासिस बल्कि बहुत सारी बॉडी का बीमारियाँ, ऐसा माइंड बॉडी कमीशन मतलब ऑलमोस्ट ऑल। तो आपको इसके ऊपर वर्क करना है और इसका निवारण आपको तलाश करना है। दूसरा ये, चूँकि सोरियासिस जो है ये विंटर्स में बढ़ता है, इसके लिए आपको उसको जेल या कोई एलोवेरा ऐसा जेल के हिसाब से उसको आपको मॉइस्चर करना पड़ेगा, और हीट, डायरेक्ट जो हीट है, जैसे कि आप गर्म गर्म पानी से जो आप ये नहाते हैं उसको अवॉइड करके ल्यूक वार्म वाटर से आप बात कीजिए, तो इसकी मॉइस्चरनेस आपको बरकरार रहेगी, हीट ड्राइनेस नहीं हो पाएगा। तो कीप द स्किन वेट बाय मॉइस्चराइजिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनवर साहब, आपने सोरियासिस के बारे में काफ़ी जानकारी दी और बहुत लॉजिकल बातें आपने हमारे सारे दर्शकों को बताई है। और इसी के साथ जो मैं आपसे आज सीख रही हूँ और मैं चाहूँगी कि हमारे तमाम दर्शक भी सीखे, वो ये है कि अंदर से हमें बहुत शांत प्रिय या शांति प्रिय हमें रहना चाहिए, राइट? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। इससे ना ही सिर्फ सोरियासिस जैसी बीमारी बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों को हम रोक सकते हैं आने से, राइट? माइंड इज द की टू ट्रीटमेंट ऑफ ऑल डिजीज। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, और इसी के साथ समय की थोड़ी कमी है इसीलिए अब मुझे ये कहना होगा कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मैं मेरे रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे उसने वो सलाहियत दी है जी। मुझे वो नॉलेज दी है कि मैं इस किस्म से काम कर सकूँ, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वेल दोस्तों, आज हमने देखा कि सोरियासिस एग्जैक्टली होता क्या है, इस बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है। दोस्तों, अगर आपके जहन में सोरियासिस से जुड़ा या किसी भी बीमारी से जुड़ा कोई सवाल है और इसका जवाब या कोई सलाह आप डॉक्टर अनवर साहब से लेना चाहें, तो आप डॉक्टर अनवर साहब से और उनकी पूरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अनवर आमिर्स क्यूरेटिव होम्योपैथी 29/30 पटेल आकिड़,
फर्स्ट फ्लोर, केडी टावर 233/234, बिलासिस रोड, मुंबई सेंट्रल 400008। हमारे फोन नंबर्स हैं 02-2300-4757, 02-2300-5757 और 9930950750। हमारी ईमेल आईडी है dranwaramir@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.dranwaramir.com। दोस्तों, अब मैं चाहूंगी आप सभी से इजाजत। दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी यही इसी शो में, जिसका नाम है होम्योपैथी अनहोनीपैथी, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।